कांग्रेस के नेता लगता है कि पागल हो गए हैं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रही है, यानी तैयार हो जाइए उनकी हत्या करने के लिए। अरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते भूपेश पटेल कि भगवा रंग गुंडे पहनकर घूमते हैं, यानी इनको यज्ञ की ज्वाला हो चाहे सूर्य भगवान का कलर हो, उन सब में गुंडे दिखाई देते हैं, यानी भगवा कपड़े पहनने वाले इनको सब गुंडे दिखाई देते हैं, यानी देश के साधु संत इनको गुंडे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हिंदुस्तान के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और राहुल गांधी कहते हैं जय श्री राम मत बोलो, और इसी प्रकार से लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हिंदुओं का अपमान करते आए हैं। इसलिए लगता है मुझे कि सबको यदि ठीक करना है, ठीक जनता करेगी, इसलिए जरूरी हो गया है कि इन सबको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराएं ताकि इनका दिमाग ठीक हो।